जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभू नाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो आज है दिन मंगल और अभी खाने में देखूंगी क्या बनाना है और तो मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पे गाइज मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे मैंने एक साइड में दाल बनानी रख दी है और दूसरी साइड में चावल बनाई। तो चावल आज मैं कढ़ाई में बना रही हूँ और दाल मैंने डाल दी है। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि दाल कब बॉईल होगी और मैं उसके झाग निकालूँगी। तो देखिए गाइस, दाल बॉईल होने लगी है और इसमें झाग ऊपर ही आ गए हैं। देखिए गाइस कितनी। और गाइस इस एक झाग को ज़रूर निकाला कीजिए, तो क्योंकि है ना, ये झाग निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम समय के कारण या कम समय होता है तो जल्दी 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 के जल्दी जल्दी में हम क्या करते हैं कि उसी में हम सारा मसाला डाल देते हैं और बस कुकर को बंद कर देते हैं। लेकिन ये झाग निकालना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए गाइस कितने झाग निकले हैं। पहले जो लोग करते झाग निकाल देते वो सही निकालते थे। इसका क्या कारण है क्यों ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन झाग निकालना बहुत ज़रूरी है तो इसलिए मैंने झाग निकाल दिए हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर चावल छोंक दूँगी क्योंकि आज दाल चावल और पराठे बनाऊँ, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में आपको बताया कि मेरे यहाँ पराठे ही बनते हैं क्योंकि लव सुरभी को पराठे ही चाहिए। चाहे आप उनके पराठे पे कितना भी आप कम घी या तेल जो भी आप लगा दो, लेकिन उनको पराठे ही चाहिए। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी जीरा और इसमें मैं डाल दूँगी चावल। तो बस ओ गाइज, जो हमारी ये कढ़ाई है ना इतनी बेस्ट है गाइज कि इसका जो तलवा है ना इतना मोटा है गाइस कि कोई भी चीज़ बनाती हूँ मैं वो एकदम चुपकती नहीं है। और एकदम कुछ भी बनाओ सारा सामान है ना एकदम खिला खिला सा रहता है। तो देखिए चावल भी, और यहाँ पे मैं डाल दूँगी चावल। बस पानी में उतना ही डालूँगी जितने चावल डूब जाएँ, क्योंकि चावल मैंने पहले भिगो के रख दिए थे। और खाली नमक डालूँगी, सादा नमक, क्योंकि मेरे बच्चों को खाली वाइट चावल ही ज़्यादा पसंद है। अगर मैं चाहूँ कभी उनके लिए हल्दी वल्दी डाल के बनाऊँ तो वो उनको उतने खा लेते हैं, लेकिन उतने नहीं है ना मेरे हस्बैंड को ना मेरे बच्चों को, उनको वाइट चावल ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके ढक दूँगी। और कढ़ाई में बनाना गाइस बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन जाते हैं। बस इसको बस आप ढक कर रख दो, बस उसमें से एयर ना निकले। तो गाइज ये हमारी शॉप के ही चावल हैं और देखिए गाइज एकदम सादा है और एकदम खिले खिले हुए बने हैं, तो काफ़ी खाने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं गाइज ये। और इसके बाद मैं अपने डाल दूँगी कपड़े गाइज, तो मैं तो अपने आंगन में ही डाल देती हूँ, मुझे गर्मी बहुत है ना और धूप यहीं सूख जाते हैं क्योंकि मशीन में ऐसे ड्राई कर लो और उसके बाद सूख जाते हैं, तो मुझे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सर्दियों में तो मैं चली भी जाती हूँ, गर्मियों में तो मैं तो नीचे ही डाल देती हूँ गाइज। तो मैं अपने कपड़े अपने नहाती हूँ तभी साथ के साथ धो देती हूँ, बाकी बच्चों के इनके कपड़े मैं डाल देती हूँ। बैग क्या नहीं रखा स्कूल से आके गाइस, बैग नहीं रखते हैं अपना, वहीं के भी पटक देते हैं। और काय खड़ी है, काय को पराठा दे के आऊँ मैं और मेरा चश्मा दे दे, चश्मा रह गया पार्लर में कस्टमर आ गया। तो गाइस इसके बाद मैं चली गई थी पार्लर में और मैं सुरभि के से बोल गई थी गऊ माता खड़ी है तो कुछ रोटी या पराठा कुछ भी दे दे। तो यहाँ पे मैं सुरभि गौ माता को पराठा दे दिया है
और गाइज आपको तो पता ही है कि हमारे यहाँ तो गऊ माता आ जाती हैं, और यहाँ पे मैं पार्लर में थ्रेडिंग कर रही हूँ, तो इस तरह से गाइज बस यही काम चलता रहता है। तो जब कोई पार्लर में आ जाता है तो मैं पार्लर में आ जाती हूँ, बाकी अंदर पूरा टाइम निकल जाता है मेरा। और चाय, शाम की चाय के साथ बिस्किट चाहिए तो वो मुझे बहुत पसंद है। और मुझे है ना कुछ नहीं, बस पार्ले का बिस्किट हो, बस काम चल जाता है। तो गाइज़ मैं यही कहना चाहूँगी, मैं कम से कम समय आपका लेना चाहती हूँ, बस यही। और मैं आपको अच्छी वीडियो देना चाहती हूँ। तो गाइज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।